हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो स्मार्टफोन है वो कितना पुराना है, वो कैसे पता करें। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो स्पेशली सैमसंग यूजर्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे फ़ोन इन्फो सैमसंग। तो इस एप्लीकेशन में आपकी फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगी। तो आपको सर्च करना है फ़ोन इन्फो सैमसंग, तो सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, और आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं इसका रेटिंग जो है काफ़ी अच्छा है, और इसका साइज़ जो है 4.8 MB का है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कस्टमर रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो तब तक हम वेट करते हैं क्योंकि ये डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्टॉलिंग में। तो अब ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन फ़ोन इन्फो के नाम से। तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल दिखाई दे रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड लिखा हुआ है, फ़ोन मॉडल, डिवाइस टाइप, प्रोडक्ट नेम, कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसी कोड के बारे में आपको डिटेल दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो फॉर्मवेयर के बारे में सारा डिटेल दिखाई दे रहा है आपको। उसके आगे देखेंगे हम लोग एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड में आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्ड नंबर, बिल्ड डेट, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके। उसके बाद हार्डवेयर में देखेंगे तो आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो अपना सारा डिटेल दिखाई दे रहा है, कितना रैम है, कितना स्क्रीन है, कैमरा कितना है, GPU कौन सा है, और साउंड कार्ड कौन सा है, बैटरी कितने एमएच की है, सेंसर कौन कौन सा लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल पे आप देख सकते हैं सारा पर्सनल का इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो आप हमारा यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं, बैटरी टेम्परेचर, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो और डिटेल में जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ।